बॉलीवुड में एक वक्त था जब अदाकारा जूही चावला का नाम बुलंदियों पर हुआ करता था। फिल्म मेकर्स जूही को अपनी फिल्म में लेने के लिए बेकरार रहते थे। अपने फिल्मी करियर में जूही ने कई सफल फिल्में दी हैं। उनकी फिल्में आज भी यादगार हैं। उनकी कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जिन्हें आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। जूही एक ऐसी अदाकारा है जो हमेशा सबके सामने अपने डिसेंट एटीट्यूड के लिए जानी जाती है। लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने वाली जूही को कभी विवादों में देखा नहीं गया। वैसे जूही के फैंस उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। हालांकि अभी भी जूही अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखती है। उनके दो बच्चे हैं, लेकिन आज तक जूही ने अपने बच्चों को चकाचौंध की दुनिया से दूर ही रखा है। वैसे जूही ने शादी भी बड़े ही चुपचाप तरीके से की थी। किसी को भी कानो कान खबर ही नहीं लगी थी कि जूही शादी कर रही हैं। रिपोर्ट की माने तो जूही ने शादी कर ली है। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब वो माँ बनने वाली थी। खबरों की माने तो मनमोहक मुस्कान वाली अदाकारा जूही चावला के पति जय मेहता से अफेयर की खबरें मीडिया में छाई रहती थी, लेकिन दोनों ने कभी भी इसका पता नहीं चलने दिया था। जब जूही ने जय मेहता के साथ शादी की थी तब भी इस बात की भनक नहीं लगी थी। साल 1997 में खबर आई कि जूही ने जय मेहता से शादी कर ली है, मगर इसके बाद भी जूही अपनी इन खबरों का खंडन करती रही। मगर जब जूही प्रेग्नेंट हुई तब जाकर उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने जय मेहता से शादी की है। जूही ने ये बताया कि उन्होंने अपनी शादी की खबर इसलिए छिपाई क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनके फिल्मी करियर पर असर पड़ सकता है। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।